नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो टॉपिक है यूट्यूब वीडियो का, ये है जी आज जर्मन शेफर्ड की टेपिंग। जो मैंने भी ये सीखी है जी डॉक्टर सरदाना से, डॉक्टर सरदाना की वीडियो भी है इसके ऊपर, और मेरे डॉग की उन्होंने एक बार की भी है, तो उन्होंने ये बताया हुआ है। तो आज मैं भी ये ट्राई करता हूँ जी, और आप सभी को बताता हूँ कि कैसे इसकी टेपिंग होगी। सबसे पहले ये एक प्लास्टर टेप होती है जी, जो यूज़ होती है ड्यूरोप्लास्ट विद फास्ट एजी, ऐसे इसका नेम है। और ये दूसरा इसके अंदर यूज़ होता है, ये स्ट्रिप होती है जो आइसक्रीम वो बोलते हैं, थोड़ा सा हार्ड में होती है, तो ये लेनी होती है। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप टेप का देखिए, इसके बराबर का एक साइज़ काट लीजिए। ऐसे, और फिर इसके बीच से दो हिस्से किए जाएंगे जी। ये इसके ऊपर होता है एक पोलोथीन का हिस्सा, जिसके अंदर ये चिपक जाती है, तो इसको ऐसे रिमूव कीजिए। और ये जो स्ट्रिप है जो हमने अभी ली थी, ये इसके ऊपर ऐसे बीचों बीच इसके ऊपर होल्ड कीजिए। एक बार आगे आगे दिखा दे भाई, यहाँ से यहाँ के दिखा दे। ये ऐसे होल्ड कर दिया जी हमने, देखिए। और फिर ये दूसरी टेप एक और है, जो इसके ऊपर हमने अभी इसको ऐसे उल्टा करके, ये भी ऐसे, ये ऐसे लगा दिया जी। ये हो गया हमारा एक ईयर का, और ऐसे ही हम दूसरे उसका कर लेंगे जी। ये दो स्ट्रिप्स हमने बना लिए जी, जो भी हम टेपिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारा जर्मन शेफर्ड है, जिसके ईयर स्टैंड करने हैं, तो अभी इसको इसके अंदर देखते हैं यूज़ करके। ऐसे पकड़ के इसके अंदर पकड़, इसका मुंह पकड़, इसके कान के बिल्कुल, ये इसको ऐसे पकड़ के जी, और ये बिल्कुल जिस साइड से चिपकने वाला हिस्सा है इसका, ये डॉग के बिल्कुल कान के अंदर, और इसके बिल्कुल कान के साथ ऐसे चिपका देंगे, ऐसे चिपक गए। ये हो चुके हैं जी एक ईयर की टेपिंग। तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम अभी ऊपर से एक और वो लगा देंगे, एक स्ट्रिप। जो ऊपर वाली स्ट्रिप है ये बिल्कुल लूज लगानी है जी, बिल्कुल आराम से, जिसको कान से कोई दबाव ना पड़े, सिर्फ इसको होल्ड करने के लिए। टेपिंग कंप्लीट, तो वैसे ही हम कर देंगे दूसरे कान की। ऐसे इसको भी दूसरे कान के अंदर, और इसको बाहरले हिस्से पे चिपका देंगे ऐसे। ये हो चुका है जी सेकंड काम की भी, और इसको जैसे ही हम सपोर्ट दे देंगे बाहर से, ऐसे ही इसको भी यहाँ से सपोर्ट दे देंगे भाई, यहाँ नीचे से।
ताकि ये अगर मूव भी करे तो इसको निकाल ना सके। अरे इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी भाई साहब, बिल्कुल प्यार से ऐसे रोक देना और अब इनको ऊपर हम टाई अप कर देंगे एक दूसरे उसके साथ। ये हो गया जी टेपिंग हमारे जर्मन शेफर्ड की। और ये भाई ये मैंने सीखी है डॉक्टर सरदाना से, तो उन्होंने मेरे जर्मन की थी ये, तो मैंने भी कोशिश की है। अगर अच्छी लगे तो भाई धन्यवाद, अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ मेरे को बताइए ताकि हम भी सीख रहे हैं जी कुछ और नया कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद। हो चुके जी टेपिंग और ये भी रखनी है सिर्फ 2 या 3 दिन, उसके बाद इसको रिमूव करके थोड़ा इसको छोड़ के एक दिन के लिए फिर दोबारा करनी है जब तक ये काम स्टार्ट नहीं करता। और इसमें एक ध्यान रखना है जी सिर्फ ये, मतलब ज़्यादा प्रेस ना हो यहाँ से, इसके कानों पे ज़्यादा दबाव ना आए। और बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।